करियर की चॉइसेस को लेकर हम लोग अक्सर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब हम अपने बच्चों से लेकर और इवन हम खुद भी, कि क्या ये करियर ठीक रहेगा, ये मैं आगे पढ़ाई जो कर रहा हूँ वो ठीक है या कर रही हूँ वो ठीक है, डिग्री किस में करनी है, पोस्ट ग्रेड किस में करनी है, इसके अलावा जॉब के कौन से ऐसे एवेन्यूज़ रहेंगे मेरे लिए जिसकी पढ़ाई करके मुझे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें या मुझे नौकरी जल्दी से मिल जाए या अच्छी सैलरी का पैकेज मिल जाए। तो इस तरह की उधेड़बुन हम सबके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। और अक्सर एज एन एजुकेटर मैंने देखा है कि जिस सब्जेक्ट में हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जनरली उस सब्जेक्ट में हम जॉब नहीं कर रहे होते, और फिर बाद में ऐसे लगता है कि कहाँ फंस गए, या कई बार मजबूरी या कोई भी और रीज़न हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को आपने क्लिक किया है ये समझने के लिए कि एज आपका डेस्टिनी नंबर 3 है, तो कौन सी जॉब्स आपके लिए ठीक रहेंगी, कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ाई आपके लिए ठीक रहेगी, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां हम काम करेंगे, तो आपको दिल से खुशी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मतलब ये काम करके मुझे अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल राइट जगह पे हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज की वीडियो में बहुत मतलब ऐसा लग रहा था मैं फट फट लिखती जा रही हूँ क्योंकि बहुत हद तक मुझसे रेलेवेंट थी। तो आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आप इनसे रेजोनेट करते हो या आपकी फैमिली में कोई करता है या कोई भी परिवार में कैसे भी, तो आप ज़रूर उनसे शेयर करिएगा, फ्रेंड्स या तो शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई डायलेमा में हो तो उसको रास्ता साफ दिखाई दे जाए। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा, बिकॉज आने वाली वीडियोस का एटलीस्ट आपको आभास रहेगा, वरना बाद में आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं मैम ये वाली बन गई कि नहीं, ये बन गई कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आप 3 हो ना, तो मैं आपको एक बात हमेशा कहती हूँ, एज नंबर 3 होने के नाते आप 3 C's के साथ गवर्न्ड हो। कौन से हैं वो 3 C's? क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कनेक्शन, मतलब तीनों चीज़ों के धनी हो आप। तो किसी तरह से आपको भगवान ने, वो कहते हैं ना जुपिटर गुरु का पूरा पूरा आशीर्वाद रहता है आप लोगों के ऊपर। यूथफुल एनर्जी होती है, चार्मिंग और चर्पी एनर्जी होती है। आप कहते हैं ना बचपन से ही टीचर पैदा होते हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ को आसान करके समझाना चाहते हो, उसके अंदर वो तड़का डाल देते हो और उसको इस तरह से चीज़ों को सामने पेश करते हो कि दूसरा बंदा आराम से समझ जाए या बंदी समझ जाए। कनेक्शंस आपके बहुत अच्छे रहते हैं, सोशल चार्म आपके अंदर होता है, एक वर्सेटाइल कहते हैं पर्सनैलिटी है और अडेप्टेबल भी होते हो। तो अलग अलग चीज़ों का ज्ञान रखना, अलग अलग फील्ड्स का ध्यान रखना, वो तो जैसे आपको मज़ा ही आता है ना। तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को नहीं देखते हो, आपको बड़ा मज़ा आता है दुनिया की हर नॉलेज और जानकारी को हासिल करना। तो कौन से हैं आपके लिए प्रोफेशंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो जैसे मैंने 3 C's में कहा, क्रिएटिविटी, कूट कूट कर भरी हुई है क्रिएटिविटी। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग तो ऐसी है कि पूछो मत। कोई नया चीज़ प्लान करना है, कहीं पे करना है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, वो ऐसे बोलती है इसको ऐसे पेश करेंगे। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जैसे फूड इंडस्ट्री में बड़े क्रिएटिव होते हैं, वो किस तरह से डेकोरेट करके, इवन सिंपल सा खाना होगा ना, उसको भी जब वो पेश करेंगे तो इतना खूबसूरत क्रिएटिवली होगा। सिमिलरली आर्टिस्ट आप देखोगे, उनके अंदर बड़ी क्रिएटिविटी होती है। तो कोई भी एक नॉर्मल फूलदान में फूल भी लगाने होंगे, उसमें भी आप कुछ अलग सा काम करेंगे। अब मैं आ जाती हूँ नंबर 2 पे, और वो है 2nd C, क्या है? कम्युनिकेशन। बातों के धनी हैं आप, आपकी रिटन स्किल्स, आपकी वर्बल स्किल्स सारी की सारी इतनी अच्छी हैं, जितना खूबसूरत बोलते हैं उतना खूबसूरत लिखते भी हैं, और जब आप लिखते हैं तो वो सीधे दिल से लिखते हैं, और क्योंकि आप दिल से लिखते हैं तो वो दिल तक पहुंचती हैं बातें। तो ऐसे में आपको मैं बहुत ज़रूर कहूँगी कि एनीथिंग जो किसी भी तरह से वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन की कोई भी एरिया, किसी भी आस्पेक्ट को लोगे, तो वाकई में जो भी आप लिखोगे, जानती हो दिल तो जीत ही लोगे। तीसरी चीज़ है, बहुत सारे आप में इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल गुरुज होंगे, बहुत से आपकी लाइफ में ऐसे टीचर्स आते हैं, गुरुज आते हैं, या हमारी लाइफ में जिनको सुनने के बाद ऐसे लगता है कि हाँ, जैसे मन बड़ा अपसेट भी होगा, उनको सुन लोगे, उनको देख लोगे, तो फिर लगेगा वापस से चार्ज अप हो गए। तो वो एक तरह से ना करंट का काम करते हैं, वो मोटिवेशन का काम करते हैं। अब ऐसे वाले जो लोग होते हैं वो मोटिवेशनल गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े कमाल के धाकड़ होते हैं, और मतलब आपको, आप इत्मीनान से सुनना चाहोगे उनको। तो आप ऐसा कोई सा भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। चौथे प्रोफेशन पे आते हैं, वो है राइटिंग का, पब्लिशिंग का, मतलब आप एक नायाब ऑथर हो सकते हैं, मतलब आप
के अंदर वो कहते हैं ना इनग्रेन्ड है, जैसे मैंने क्या बोला था, थ्री वो जुपिटर की भर भर की कृपा है, तो वो आपके अंदर इनग्रेन्ड है, यानी आप जो भी करना चाहते हो जिस तरह से भी करना चाहते हो, लिखने में नो डाउट आपकी काबिलियत है, आप किताबें लिख सकते हो, आप स्टोरीज बहुत अच्छे से लिख सकते हो, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड जहाँ पे भी आपकी नॉलेज है उसको कैसे लिख कर एक प्रिंट की तरह से देना है, तो वो वाले काम आप आराम से कर सकते हो। जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है अच्छा, अपने 35 साल के करियर में मैंने मोर देन 50 स्कूल बुक्स लिखे, तो मतलब मैं हर रोज कुछ ना कुछ लिख ही रही होती थी, एक घंटा सोने से पहले हमेशा। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं इनग्रेन्ड होता है आपके। इससे मैं चलते चलते एक चीज़ और आपको इस आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप में से वो सब लोग जो चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिनको पता नहीं है अभी कि क्या क्या चीज़ें हैं, या मुझसे पूछते हैं सवाल करते हैं कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, बहुत सारे मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, बहुत सारे क्लासेस कोर्सेज वर्कशॉप्स डले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। अब वो चाहे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो, मेडिटेशन से रिलेटेड हो, और अभी जो लेटेस्ट मैंने डाली है वर्कशॉप वो है नवरात्रास का, माँ दुर्गा के 9 रूपों को कैसे हम अपनी ज़िंदगी के हर एरिया एस्पेक्ट से जोड़ रहे हैं, कैसे आप बात करते करते आपको समझ में आएगा फैमिली के लिए एक रूप है आपका, बच्चों के लिए एक रूप है, पढ़ाई का एक है, आपको जीवन में निडर होना है तो परेशानी वाले टाइम से निजात पानी है तो, मतलब हर एक रूप को आप किस फॉर्म में माँ दुर्गा का रूप देखते हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, यानी उनसे रिलेटेड कलर्स, उनसे रिलेटेड मंत्रास, उनसे रिलेटेड ऑफरिंग्स, और कोई बड़ा लंबा चौड़ा मतलब घबराने वाला नहीं है, बहुत सिंपल, बट उससे जो फीलिंग आती है ना वो एक बहुत ही कमाल की फीलिंग आती है। और ये वर्कशॉप मैं हर साल नवरात्रा पे लाती हूँ और पिछले 2 साल से कर रही हूँ, और आपको खुद से बहुत मज़ा आएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक देखिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोफेशन पे आते हैं और वो है टीचिंग का, एजुकेशन का, जो मैं करती आई हूँ 35 साल से, और अभी भी एक्चुअली तो टीचिंग और एजुकेशन ही कर रही हूँ। जो भी लोग एज डेस्टिनी नंबर 3 होते हैं या इवन बर्थ नंबर 3 होते हैं, आप देखोगे आपको ना बच्चे बहुत प्यार करते हैं, आपके स्टूडेंट्स आपसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, ना केवल कनेक्ट करते हो, आप उनको चीज़ों को बड़े इंटरेस्टिंग वे में सिखाते हो। तो आप स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर, प्रोफेशनल गुरुज, कितने सारे इस तरह के फॉर्म में आप कितने सारे एवेन्यूज हैं जहाँ पे एज टीचिंग एज प्रोफेशंस आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल के दिनों का, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सो सोशल मीडिया के ऊपर आप चीज़ों को एज इन्फ्लुएंसिंग के तरीके से कर सकते हो। जैसे मेरा जो सोशल मीडिया में मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो मेजरली बात करता है सोशल मीडिया पे एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप देखेंगे आप ऐसे वाले लोग बहुत जल्दी से कनेक्ट करते हैं, और सोशल मीडिया पे कुछ भी, कोई भी एक इम्पैक्टफुल चीज़, कोई क्रिएटिव चीज़, किसी भी सिंपल चीज़ को बहुत आसानी से और इंगेजिंग तरीके से दिखाना या बताना या इंगेज होना, उन सब की तरह से आप कोई भी एरिया चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी, आप एक नायाब परफॉर्मर बतौर आप काम करते हैं, परफॉर्मेंस किसी भी एरिया में हो, डांस में हो, म्यूजिक में हो, स्टोरी नरेशन में हो, योगा में हो, तो आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पर्सन है। आप देखेंगे कि किसी भी जगह, किसी भी एरिया में आप कहीं म्यूजिक चल रहा होगा या कहीं डांस या कोई धुन होगा, आपके पैर अपने आप ही थिरकने लगेंगे, आपके दिमाग में ना अपने आप से ही उसके एक्शंस आ जाएंगे, आप खुद ही गुनगुनाने लगेंगे, तो आपके अंदर वो भी एक इनग्रेन्ड क्वालिटी है। नेचुरली स्टोरी टेलर तो आप होते ही हो, वो भी अपने आप से होता है। कैसे होता है, यानी आपने देखा होगा स्क्रीन प्लेज लिखे जाते हैं, मूवीज के स्क्रीन प्लेज लिखे जाते हैं, ड्रामास के स्क्रीन प्लेज लिखे जाते हैं, तो आप एज स्टेज पे परफॉर्मर बतौर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप स्टेज पे अगर परफॉर्मर बतौर नहीं करना चाहते, बैक स्टेज काम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एज अ स्क्रीन राइटर बहुत नायाब काम करेंगे, बिकॉज आप जो लिखेंगे उसके अंदर एक अलग सा ही फितूर होगा। तो आप जैसे लोगों को जनरली इवन स्पोक्स पर्सन बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन होने के बतौर बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। पब्लिक रिलेशन एक अनादर फील्ड है जो इससे बहुत मिलता जुलता है, उसमें भी आप अपना एक अच्छी छाप और पहचान छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आती हूँ मैं मार्केटिंग पे, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का, ये वाला जो रोल है ये भी आप बहुत बखूबी निभाना जानते हैं, क्योंकि आप बहुत इफेक्टिवली कोई भी मैसेज को कम्युनिकेट कर पाते हैं।
कम शब्दों में लेकिन इम्पैक्टफुल मैसेज देना आपको अच्छे से आता है। नेक्स्ट प्रोफेशन आता है हीलर्स का प्रोफेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग तरह से हीलर्स होते हैं जो एनर्जी हीलिंग का काम करते हैं, तो एज एनर्जी हीलर्स आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, साउंड हीलिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो एज हीलर आपकी बातें, आपकी खुद की एनर्जी बहुत से लोगों को हील कर जाती है। नेक्स्ट प्रोफेशन आता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स का। तो सिंपल पोस्ट भी जब आएगी ना वो भी कुछ हटके होगी, मतलब बहुत से लोग तो क्या करते हैं कैनवा से पिक्चर हटाई लगा दी कर दिया, तो कॉपी पेस्ट। आपके साथ क्या है, आप अपनी क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाते हो कि नहीं अगर इसको ऐसे पेश किया जाए ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो आप उसमें अपनी काफ़ी सारी एनर्जी भी लगाते हो। लास्ट में आती हूँ इवेंट प्लानर्स पे। तो बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बड़े मेमोरेबल रहते हैं, याद रहते हैं उनकी सालों साल, सदियों की सदियों। तो ऐसे वाले लोग जो इवेंट प्लानिंग में जाते हैं वो हर एक माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स, यानी आपके गेस्ट्स को बुलाने से लेकर उनको रिसीव करने से लेकर उनको एंटरटेन करने से लेकर आपको शो दिखाने से लेकर उनके वापस जाने तक, हर एक एरिया पूरा इवेंट बहुत बखूबी प्लान करते हैं ताकि लोग सदियों सालों साल उस इवेंट को याद कर सकें। अब जी मैं आ जाती हूँ लास्ट पे, और वो क्या है, ये तो हो गए आपके प्रोफेशंस। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपसे 5 बड़े पावर पैक टिप्स बताऊंगी ताकि आप अपने राजी खुशी हैप्पी जो काम कर रहे हैं उसको और हैप्पीली कर पाएं और बिना बात के वो रोड ब्लॉक्स ना आए। तो पहला टिप तो ये है, आपको फोकस्ड रहना है। ये जो जनरली मैंने देखा है जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो किसी एक क्रिएशन को, एक छोटी क्रिएशन हो बड़ी हो उनको उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी एक क्रिएशन को क्रिएट करने में ना बड़ा कई बार तो घंटे घंटे लगा देते हैं। तो जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना, जो प्रेसिंग काम होते हैं, वो तो कहीं साइड में चले जाते हैं, बट उनको जब तक वो दिल से सुकून नहीं मिलेगा ना कि हाँ ये मेरे हिसाब से नहीं बना, तब तक आप अपना उसी की तरफ अड़े रहते हो, विद द रिज़ल्ट जो आपका फोकस है ना वो हिल जाता है। यानी एक तरफ आप प्रॉपरली अगर प्लान करके चलोगे, फोकस्ड वे में चलोगे, तो आपको वहाँ परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज़, आइसोलेशन को अवॉइड करना है। आप अपने बबल में बैठ के काम करना पसंद करते हो, आपको बहुत ज़्यादा लोगों का कनेक्शन बहुत होगा, मतलब आप जैसे लोग होते हैं ना, मैं इनको हमेशा नंबर 3 वालों को दो तरह के, दो रूप वाला इंसान कहते हो। आपके कनेक्शन अच्छे, क्रिएटिविटी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ घुलने मिलने का टाइम आता है, लोगों से मिलना, घूमना, बात करना, वहाँ आप अपने आप को कुकून करके एक जगह बैठ जाते हो कि क्या ज़रूरत है, ठीक है मैं अपने जोन में बहुत खुश हूँ, या खुश किसी भी तरह से मैं अपने जोन में खुश हूँ। तो आइसोलेशन से बाहर जाना है, थोड़ा बहुत तो मिला करो, नेटवर्किंग करोगे आपके लिए अच्छा है। तीसरी टिप, आप आए हैं धरती पे गुरु का की भूमिका निभाने के लिए, और गुरु का काम क्या है, दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को समझाना, दूसरों को हेल्प करना। तो एज हेल्प जब आप आए हैं तो जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए करेंगे उतना ज़्यादा आपको तथास्तु 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 मिलेगी, और उससे आपके घर भरेंगे। जब भी आप थोड़े से भी इस मामले में लालची हो जाएंगे कि सिर्फ मेरा ही घर भरे, मैं ही सब कुछ रख लूँ, वहीं पे आके आप थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे। आपको भेजा गया है सबको हेल्प करने के लिए, हर कहते ना रोते हुए के आंसू पहुँचने के लिए, और साथ में किसी को ज्ञान देने के लिए, उसकी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप मैं पे आ जाएं, उसमें थोड़े से टाइम में वापस से आप सब पर आ जाएं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चौथा पॉइंट है एम्ब्रेस वेराइटी। अक्सर स्पेशलिस्ट होना बहुत कमाल की बात है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूँगी जब आपको भगवान ने इतने सारे गुण दे के भेजा है, तो फिर आप एक ही जगह, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, या एक ही जगह पे, या एक ही फील्ड में क्यों सिमट के कुएं के मेंढक बन रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि जॉब छोड़ दो और चल दो सब इधर उधर देखने, लेकिन ऐड ऑन, आपका दिमाग तेज़ है, आपकी चीज़ों को लेने की, ग्रहण करने की क्षमता तेज़ है, तो उसको लो, जितना हो सके वैरायटी में जाओ, बिकॉज लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी आप नए फील्ड्स को समझोगे, उतना आपका दिमाग और क्रिएटिवली काम करेगा। इसलिए अपने आप को लिमिट मत किया करो एक चीज़ को लेकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे इंस्पायर्ड। आप दूसरों को तो बहुत इंस्पिरेशन देते हो,
आपकी इंस्पिरेशन के अंदर ना डिप्स बड़ी जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि आप बहुत इमोशनल किस्म के लोग हो, साथ में आप थोड़े से इनसिक्योर भी होते हो। तो जब आपको थोड़ा सा भी कहीं पे प्रॉब्लम होती है, आप अपने जोन में, अपने बबल में, अपने कुकून में, वो कहते हैं ना स्कॉर्पियो की तरह, जैसे टच किया तो वो वापस से एकदम चिपक के एक अपने कुकून में बैठ जाता है। तो आप इसी तरह से इंसान हो, क्रैब, आप देखोगे सी वाटर एनिमल्स बहुत सारे होते हैं ना, जिनको आप टच करते हो तो वो एकदम से हो जाते हैं। छुई मुई का पौधा देखा है, पत्ते को ज़रा सा टच किया तो वो एकदम से सारे पत्ते ड्रॉप कर जाते हैं, तो बस फिर ऐसा लगता है वो है ही नहीं। वही सेम सिचुएशन आप अपने लिए क्रिएट करते हो। अपने आप को ना इंस्पायर्ड रखा करो, जितना आप इंस्पायर दूसरों को करते हो आपको भी उतनी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए आर्ट पढ़ो, लिटरेचर पढ़ो, जीवनियाँ पढ़ो, कुछ फनी मूवी देखो, कुछ हंसी मजाक की चीज़ देखो, थोड़ा सा अपने आप का भी मूड थोड़ा पेपअप करके रखा करो। सो ये था नंबर 3 के लिए मेरी प्यारी सी 5 आपको टिप्स और प्रोफेशंस जो आपके लिए अच्छे होंगे। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस क्लास ऑल्सो। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड मे यू बी हैविंग अ ब्लिसफुल एंड अ ब्लेस्ड ईयर।